हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द चैप्टर वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आने वाले क्लासेस के लिए, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा और क्वेश्चंस को अच्छे से लगाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है बच्चे? तो वॉल्यूम हमारा है, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड फिगर। हियर हमारे पास देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखेंगे तो क्या करेगा, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, सपोज इसको हम यहाँ रखे तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसका जो मेजरमेंट होगा उसी को हम बोलेंगे वॉल्यूम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप डिफिनेशन देख सकते हो, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड फिगर। अब हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि सॉलिड फिगर क्या होता है। बच्चों सॉलिड फिगर क्या होता है, सॉलिड फिगर पहले आप समझिए, फिगर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसमें? प्लेन में और सॉलिड में। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड हुआ है बेटा? प्लेन और सॉलिड। अब यहां से आप देखेंगे व्हाट इज सॉलिड फिगर, दोज फिगर विच हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। क्या होता है बेटा? जिनका शेप और साइज डेफिनेट हो, मतलब फिक्स्ड हो, जिनका शेप और साइज क्या हो, फिक्स्ड हो, उसे हम बोलेंगे सॉलिड फिगर। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ऐसे हमारे क्या एग्जाम्पल्स हैं? सॉलिड फिगर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब प्लेन फिगर के बारे में बात करते हैं, ऐसे फिगर्स जो दो डायमेंशनल फिगर्स होते हैं जिनका लेंथ और ब्रेथ होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन फिगर्स। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो रेक्टेंगल, सर्कल, ऐसे प्लेन फिगर्स को हम लोग सॉलिड प्लेन फिगर को हम लोग प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं, फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारे मन में आता है डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन हमारा 2D या 3D डायमेंशन क्या है? डायमेंशन पहले हम लोग समझ लेंगे, व्हाट इज डायमेंशन। डायमेंशन है मेजरमेंट, मेजरमेंट इन वन डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट करते हो, अगर आप लेफ्ट जा रहे हो, राइट जा रहे हो, अप साइड जा रहे हो, डाउन साइड जा रहे हो, किसी भी एक डायरेक्शन में जब मेजरमेंट करोगे तो उसको हम बोलेंगे डायमेंशन। क्या बोलेंगे? डायमेंशन, मेजरमेंट इन वन डायरेक्शन। किसी भी एक डायरेक्शन में जब हम मेजरमेंट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मेजरमेंट इन वन डायमेंशन। अब यहाँ पर देखो, जब हम लेंथ किसी भी फिगर का लेंथ और ब्रेथ, मतलब एल और बी दोनों मेजर करते हैं तो हमें मिलता है एरिया। ये मेजरमेंट हमारा क्या है? मेजरमेंट इन टू डायमेंशंस, क्योंकि एरिया जो हमारा टू डायमेंशंस फिगर है, सॉरी टू डायमेंशनल मेजरमेंट है। क्यों टू डायमेंशनल मेजरमेंट है? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर कर, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिला है एरिया। हम इधर के लेंथ को मल्टीप्लाई करें ब्रेथ से तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया। अब इसी में आप जब थ्री डायमेंशन के बारे में पढ़ोगे तो थ्री डायमेंशन कब आएगा? जब आप एक फिगर के ऊपर लेयर बनाते जाओ तो क्या करेगा? हाइट गेन करेगा। क्या गेन करेगा? हाइट। तो यहाँ पर देखो लेंथ ब्रेथ और एक और क्वांटिटी ऐड हो गई जो है हमारी हाइट। कौन सी क्वांटिटी है? हाइट। तो आप यहाँ देखोगे लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और क्या है? हाइट है। तो तीन डायमेंशन हो गया, फर्स्ट डायमेंशन ही हो गया, सेकंड डायमेंशन हमारी है और थर्ड डायमेंशन हाइट। तो जिस किसी फिगर में तीनों डायमेंशन आ जाए, लेंथ आ जाए, ब्रेथ आ जाए, हाइट हो जाए, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 3D फिगर्स में। और इसी 3D फिगर्स को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। इसी 3D फिगर्स को जब मेजरमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्यूबॉइड हमें पढ़ना है, इसमें सबसे पहला फिगर के बारे में है, वो है क्यूबॉइड। सॉलिड फिगर, कोई भी सॉलिड फिगर जो 6 रेक्टेंगल फेसेस से बने हो उसे हम बोलेंगे क्यूबॉइड। कोई भी ऐसा फिगर है जिसमें मान लो 6 रेक्टेंगल फेसेस बना हुआ है, हम क्या बोलेंगे बेटा? क्यूबॉइड। जैसे देख लो यहाँ पे आप मैं ड्रॉ कर रहे हैं और देखो इसमें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस मिलेगा। पहला आपको यहाँ मिल जाएगा, दूसरा नीचे की तरफ 3, 4, फिर 5, एक फ्रंट वाला, एक उसके बैक वाला 6। ठीक है, तो अब इन्हीं 6 फेसेस को जब हम आपस में कंबाइन कर दे रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है? क्यूबॉइड मिल जा रहा है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। इसमें आप देखो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? जब हम मेजरमेंट करेंगे उनके रेस्पेक्टिव डायमेंशंस का, जैसे लेंथ है, यहाँ ब्रेथ आ गया और ये हमारा क्या हो गया बेटा? हाइट। जब इन तीनों डायमेंशंस को हम आपस में कंपेयर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब अनदर हमारा सॉलिड फिगर है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, वो है हमारा क्यूब। क्यूब अ सॉलिड फिगर हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर इक्वल आर कॉल्ड क्यूब। ऐसा फिगर जिसका लेंथ, जिसका क्या हो बेटा? लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब इक्वल हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? उसे बोलेंगे हम लोग क्यूब। देखो जब सब इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं
कि जो एल है वो इक्वल टू है बी के और बी इक्वल है हाइट एच के, तो हम इसको सीधे से लिख देते हैं साइड, साइड इक्वल टू साइड, यहाँ भी साइड इक्वल टू साइड, सबको हम साइड सपोज कर लें, तो यहाँ से हमारा जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बनेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बनेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, ये हो जाएगा साइड का क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड मल्टीप्लाई बाई साइड साइड क्यूब, जब भी हम इन तीनों को डायमेंशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आगे चलते हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कैसे हम क्यूबॉइड किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें लिखा रहेगा वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, तो हमें तीनों डायमेंशन दिए रहेंगे लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया जाएगा, तो हम सीधे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला था हमारा फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है। तो अब इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले देख लेंगे कि क्या क्या वैल्यू हमारी गिवेन है। तो गिवेन वैल्यू हमारी है लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, हाइट दे रखा है, हम लिख लेंगे गिवेन लेंथ, लेंथ इक्वल टू कितना हमारा बेटा 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारा है 8 सेंटीमीटर, और हमारा हाइट जो है सेंटीमीटर। तो हम वॉल्यूम निकालेंगे बाय मल्टीप्लाइंग ऑल दिस थ्री क्वांटिटीज, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। आगे यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हो जाएगा ये 12 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 624 सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हम कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं 624 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर क्यूब क्यों है इसको भी बहुत ध्यान से देने वाली बात है। अब देखिए यहाँ पे इसके साथ सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी इनकी वैल्यू सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, तो ये वैल्यू के साथ साथ सेंटीमीटर भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए जो इसका यूनिट आएगा वो यूनिट हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या जो भी यूनिट होगा वो यूनिट भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होकर 3 टाइम्स हो जाएगा आपका गिवन डाटा के, इसलिए आप हमेशा यूनिट में क्यूब लिखेंगे। और एरिया का जब भी आप यूनिट निकालते हो तो आप देखते हो एरिया का हम यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर लिखते हैं, बट जब भी हम क्यूब की बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करेंगे तो उसमें मीटर क्यूब होगा, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। आप देख लीजिए क्वेश्चंस को, अभी सिमिलरली इसी तरह से कोई और भी क्वेश्चंस होगा जिसमें डाटा चेंज होगा। सपोज हम मान लेते कोई एक क्वेश्चन है इसमें वॉल्यूम फाइंड करना हमें, और हमारा डाटा दे रखा है लेंथ दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो हम सीधे सेम तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय देयर रिस्पेक्टिव हाइट, जो कि हो जाएगा हमारा 8 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर क्यूब। अब सिमिलरली इसी तरह से एक और क्वेश्चन आएगा हमारा, इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब
हम लोग अभी तक वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सॉल्व कर रहे थे, अब हम सॉल्व करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का सिंपल सा फॉर्मूला था, हमने देखा था अभी, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। क्यों? क्योंकि देखो क्यूब हमारा एक ऐसा फिगर है जिसके तीनों डायमेंशन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए हम तीनों को इक्वली लेकर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। सपोज करो हमारे पास एक क्यूब है जिसका लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर है, ये हमारा क्यूब, इसका लेंथ हमारा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर से सारे साइड्स होंगे, सब सारे वैल्यू इसके 8 सेंटीमीटर से ही होंगे। तो हमको बताना है सर कि वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला वॉल्यूम इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो क्या हो जाएगा हमारा, एट मल्टीप्लाई बाय एट मल्टीप्लाई बाय एट, और यूनिट आप मेंशन कर लीजिएगा 512 सेंटीमीटर। सिमिलरली और इसी टाइप से कोई क्वेश्चन हमको सॉल्व करना हो तो उसको भी हम लोग देख लेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। क्यूब है, क्यूब है हमारा, इसमें इसका मेजरमेंट दे रखा है कि जो ये वैल्यू है हमारी वो 10 सेंटीमीटर है, और हमसे पूछा कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो आपको पता है कि इसके सारे साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और एक साइड हमारा 10 सेंटीमीटर है तो सारे साइड 10 सेंटीमीटर होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का सेम फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो हो जाएगा हमारा 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर क्यूब, हो जाएगा हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।